अब भूख लगी है ना, मौसी से कह दो मौसी मेरे लिए दूध गर्म करो ना। बेटा ऐसे ही करते हो ना, ऐसे ही करते हो ना। ये क्या है, ये तुम डारी पापा का पा गए हो? ये डारी पापा का लेके आए हो हैं? ये पापा का डारी लेके आए हो? मेरे जैसा क्यों नहीं हुआ तुम? अल्लाह है आज वो खेत में गया, वो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका सिंह अपने यूट्यूब चैनल आलता डिजाइन हाथ का जादू में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 15 दिन पहले से, और आज 31 दिसंबर तक का मैंने ब्लॉग शूट किया हुआ है। इसमें छोटे छोटे क्लिप लिए हैं, और ये है मेरी डिलीवरी के 3 दिन बाद की वीडियो, जो कि मैं हॉस्पिटल में थी तो वहाँ की वीडियो है। और मैं बाबू को अभी तक नहीं ले रही थी, वो मैं फ़र्स्ट टाइम अपने पास उसको लेटाई थी, तो उसको मैं खिला रही थी ऐसे ही, क्योंकि वो मेरे पास पहली बार आया था, और नहीं तो अपनी मौसी के पास अम्मा के पास रहता था, तो मैं उसको खिला रही थी। और अभी मुँह का बना रहे 72 प्रकार का, मेरा गुल्लू मुल्लू है। अब भूख लगी है ना, मौसी से कह दो मौसी मेरे लिए दूध गर्म करो, मैं दूध पीऊँगा। 2 घंटे आपसे बात नहीं करूँगा, उसके बाद ही मिलूँगा मैं ना। बेटा ऐसे ही करते हो ना, ऐसे ही करते हो ना। ये क्या है, ये तुम डारी पापा का पा गए हो? ये डारी पापा का लेके आए हो हैं? ये पापा का डारी लेके आए हो? मेरे जैसा क्यों नहीं हुआ तुम? लो रो पिया या कैसे कर रहा भाई, कैसे कैसे करता है, कैसे कैसे करता है। सो गया। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों की मतलब मेरी छुट्टी होगी 3 दिन बाद। यहाँ पे 5 दिन पे भी ये छुट्टी दे देते हैं, लेकिन मेरी तबीयत बीच में कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे 6 दिन पे छुट्टी मिला, वरना 5 दिन पे सबको मिल जाता है। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल में 3 दिन और रहेंगे, और मेरा बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था कि मैं अपने घर जाऊं, क्योंकि यहाँ रहते रहते एकदम अजीब सा लगने लगा था। और घर आने के बाद भी मैं पापा के रूम में रहती थी, तो हो रहा था कि मैं अपने रूम में जाऊँ, और तब तक लेकिन वहाँ भी मुझे 3-4 दिन तो नीचे ही रहना था, क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ना था। तो मैं 3 दिन वहाँ पे भी रही, फिर उसके बाद मैं अपने रूम में आई। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, और ये है बच्ची के बाबू के 12वीं के दिन का पिक्चर। और मैंने भी नहा लिया था, बाबू ने भी, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक दादी अम्मा है, उनका डेथ हो गया था, इसलिए बस हम लोगों को नहला दिया गया था, नहीं तो उसके बाद उनकी 13वीं बीतने के बाद ही, जैसे जो 12वीं के दिन जो सारी जितनी सारी भी रस्में होती हैं वैसा कुछ नहीं हुआ था, बस जो खास होता है वही सब हो गया था और कुछ नहीं। हम लोग नहा लिए थे, बस यही बड़ी बात है, वरना 13 दिन बिना नहाए ही रहना पड़ता। तो ये बाबू भी नहा लिया है, और मैं भी, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी तो हम लोग ओढ़ के बैठे थे, और थोड़ा सा मैंने यहाँ का भी क्लिप ले लिया है। और ये बाबू जब से आया है तब से दादा के रूम में कब्जा कर लिया है अपने, अब देखते हैं हम लोग कब जाएंगे। नहाने के बाद ही मैं अपने रूम में शिफ्ट होने वाली थी, क्योंकि अगर हम लोग बिना नहाए चले जाते तो वहाँ भी पूरी सफाई करनी पड़ती। अब यहाँ थे तो नहाने के बाद यहाँ की पूरी सफाई हो गई है, और ये मेरा बाबू है, नेक्स्ट दिन की वीडियो है।
ये दिन ब दिन काला होता जा रहा है क्योंकि इसकी मालिश धूप में ही होती है, तो ये काला होता जा रहा है। तो ये बाबू हमेशा ही ये सोता रहता है, इसको भूख लगती है और टॉयलेट वॉयलेट करता है तभी ये जागता है और रोता है, वरना नहीं सोता रहता है ये। अभी भी ये सो ही रहा है। और आज ही दीदी को जाना था, मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी आई थी तो उनको जाना था, और मेरा पैर भी नहीं भरा गया था, तो वो बोली कि दो, मैं जाने से पहले अपने पैर में वो लगाई तो मेरे पैर में भी लगा दी। और बाबू के पैर में भी लगाना ज़रूरी होता है, और मेरे पैर में भी और बाबू के पैर में लगाना ज़रूरी होता है 12वीं और 6ठी के दिन, तो वहीं लगा रही हैं। उनको याद आया, मम्मी याद दिलाई, तो वो अपने में भी लगाई और हम लोगों में भी। तो अभी ये मेरे पैर में लगाएंगी, ये बहुत ही आसान सा है, बेसिक सा लगा के, और फीट पे सिर्फ एक बिंदी देना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि यूपी में ऐसे ही कलर लगता है, नॉर्मली ऐसे ही लगाते हैं, और नहीं तो फिर ये जो ठाकुर लोग होते हैं, नाई लोग, वो लगाती हैं तो वो डिज़ाइन बनाती हैं, उनके पास लकड़ी का बना हुआ कुछ रहता है तो उसी से बनाती हैं, शादी वादी में वो शुभ माना जाता है। और नहीं तो ऐसे आप घर पे हमेशा ऐसे ही लगाती हैं औरतें यहाँ की। तो अभी मेरे पैर में ये कलर लग जाएगा, फिर उसके बाद दीदी बाबू के पैर में भी लगाएंगी। तो पहले मैं अपने पैर में ये कलर लगवा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पैर में कलर लग चुका है, अब इसके बाद बाबू की बारी है, उसके पैर में कलर लगेगा। तो अभी इसके पैर में लगना स्टार्ट हुआ, ये अपना पैर ही खींच लेता है, क्योंकि इसको ठंड लग रही थी कलर से, इसीलिए बार बार हिला रहा था और पैर खींच रहा था। तो दीदी ज़बरदस्ती, मौसी और दीदी ने पकड़ के उसको लगाया कलर, वो ऐसे खींच रहा था, दीदी डर रही थी कि ये खींच लेगा पूरे पैर में फैल जाएगा, तो भी ऐसे ही हल्का फुल्का लगा दिया उसको भी, और हम दोनों माँ बेटे का लग गया है कलर। तो ये देखिए छोटे छोटे पैरों में भी लग गए इसके। और प्रांसी तो है नहीं मेरे पास, वो छत पे है, उसको मैंने कल डांट दिया था तो वो छत पे चली गई थी। और ये है रात में 2 बजे बैठ के मुझसे बातें कर रही है और बाबू को खिला रही थी। फ्रेंड्स, ये है अब 30 दिसंबर की वीडियो। ये मैंने नेल पेंट लगाया हुआ था रात में, मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ अच्छी, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा नेल पेंट की वीडियो बना लेती हूँ, तो वही वीडियो मैंने शूट किया था। तो ये 30 दिसंबर की है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 31 दिसंबर को। मैंने 31 दिसंबर को भी थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, छत पे गई थी तो धूप लेने के लिए, क्योंकि अभी तक मुझे छत पे नहीं, ज़्यादा नहीं चढ़ना उतरना था तो मैं ऊपर वाले छत पे नहीं जाती थी, लेकिन आज गई थी तो मैंने वहाँ भी थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया है। आई होप आप सबको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। और ये है 31 दिसंबर की वीडियो, प्रांसी खेल रही थी मिट्टी में। मिट्टी में क्यों खेल रही थी तू? अरे यहाँ कौन बड़ा हो रहा है? मैं देखू तो कितनी बड़ी हो गई है, छोटी सी तो है, देखो मैं कितनी बड़ी हूँ तुमसे। मैं खाना खाती हूँ ना ज्यादा? मैं ये देखो मैं
थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही हूँ। हाँ तो ज्यादा ज्यादा खाना खाया करो, तब ना ज्यादा बड़ी होगी। नहीं तो बाबू कहेगा मेरी दीदी तो एकदम छोटी सी है, अच्छी नहीं लगती। देखो, देखो, देख रही हूँ। क्या है, क्या कर रही हो? अम्मा से पूछो उसका क्या बनेगा। नहीं घुमाना है तेज तेज, अगर पानी गिरा तो बहुत मार खाएगी तू। और प्रांसी यहाँ पे खेल रही है और मम्मी मटर और आलू उबलने के लिए रख रही है वहाँ पे, क्योंकि आज बनेगा समोसा। और इधर हैं साहब, ज़्यादा सो रहे हैं धूप में। ये दिन भर हमेशा धूप में ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, धूप होती है, तो हम लोग इसको छत पर ही ले आते हैं, मम्मी ले जाती हैं मालिश करने के लिए हमेशा। और कभी कभी हीटर के सामने मैं कर देती हूँ इसको रूम में, रात में जैसे 11-12 बजे जब भी ये रोता है तो कर देती हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा अपने फीट की वीडियो शूट करी थी, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये मैंने वीडियो बहुत दिन बाद अपलोड किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा और लाइक शेयर।